वाले AR exam तो last वाले trigonometry के video में guys हम लोग उन्होंने नए टाइप से क्वेश्चन पढ़े थे और आज हम लोग और नए टाइप के क्वेश्चन, मैंने आपको चार्ट दिखाया था जिसमें हम लोग कन्वर्जन करते हैं, ये रहा वो चार्ट, ये हम लोग मैंने आपको ये दिखाया था और आज हम लोग इसी तरीके के और क्वेश्चन करने वाले और नई चीज़ें भी सीखने वाले हैं। तो बिना देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है tan 2a is equals to cot और ब्रैकेट में a माइनस 18 फाइंड a। अब गाइज इसमें हमें a निकालना है, तो ये वही है उस तरीके का क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इन लोगों ने अलग करके किया है। तो अब देखिए गाइज, हम लोग tan को जब cot में चेंज करेंगे तो tan हमारा cot में हो जाता है, तो tan का जो गिवन एंगल होगा वो होगा cot इज इक्वल्स टू 90 माइनस वो जो आएगा। तो हम लोग cot को ये लिख सकते हैं ना, cot को हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, tan को हम लोग चेंज कर देंगे तो, और इधर तो cot a माइनस 18 है ही हमारा, हम लोग को a की वैल्यू फाइंड करना है, वही कन्वर्जन वाले से वो थोड़ा सा अलग है। अब ये cot इधर भी है, ये cot इधर भी है, तो हम लोग कंपेयर कर देंगे, कट नहीं करेंगे कंपेयर कर देंगे, तो ये cot और ये cot कंपेयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस 2a इज इक्वल्स टू a माइनस 18, इतना समझ गए। अब a उधर 2a उधर चला जाएगा तो 3a, और ये हो जाएगा हमारा 3a इज इक्वल टू 90 प्लस 18 108, 3 हमारा 108, तो a हमारा आ जाएगा 108 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 1 3 3 9 और ये हो जाएगा 3 6, तो a हमारा 36 आ जाएगा। अब समझेगा कैसे कर रहा है, इसमें हमारा दिया गया था tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, और इस टेबल में याद होगा आपको tan हमारा cot में बदलता है जब 90 माइनस थीटा होता है तो वो cot थीटा हो जाता है। ओके तो ये cot 90 माइनस 2a जो हमारा है, तो अगर इसको हमें बदलना है तो इस तरीके से हम लोग tan 2a को cot 90 माइनस 2a भी तो लिख सकते हैं, इसी तरीके से हमने किया, फिर ये कंपेयर हो गया, हमने फिर a की वैल्यू 36 फाइंड कर ली। ओके इस तरह का एक और करवाता हूँ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम है, इसमें sec और cosec भी, इसमें दिया है sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 और हमें इसमें a निकालना है। तो अब sec किस में बदलता है हमारा, टेबल में देखते हैं, sec हमारा sec 90 माइनस थीटा हमारा cosec में बदलता है, तो मतलब sec 4a को हम लोग लिख सकते हैं, तो cosec 4a हम लोग लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 4a, तो 90 माइनस 4a इज इक्वल्स टू cosec ब्रैकेट में a माइनस 20, वो तो सेम है ऊपर से उठा लेंगे। अब ये cosec दोनों साइड कंपेयर हो जाएगा, तो कंपेयर हो जाएगा तो ये हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कम, कटता नहीं है गाइस, काटिएगा नहीं बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, वो कंपेयर होगा दोनों, तो फिर ये हो जाएगा 90 माइनस 4 इज इक्वल्स टू a माइनस 20। अब ये 4a उधर चला जाएगा तो 5a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल टू 90 प्लस 20 110, तो 5a हमारा 110, तो अब 5 मल्टीप्लीकेशन में तो उधर जाके डिवीजन में आ जाएगा, तो 5 5 1 5 2 ये आ जाएगा हमारा 22, a की वैल्यू हमारी 22 आ जाएगी। समझ गए गाइस, कन्वर्जन की टेबल से हम लोगों ने क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके अब जो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है tan a इज इक्वल्स टू cot b, प्रूफ दैट a प्लस b इज इक्वल्स टू 90। अब हमें tan a इज इक्वल्स टू cot b दिया गया और अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि a प्लस b हमारा 90 डिग्री के बराबर है, तो ये अब कैसे करेंगे, तो हमें ये पता है, अब हम लोग इस tan a को cot में बदल लेंगे क्योंकि होता है हमारे कन्वर्जन टेबल में tan cot में बदलता है, तो ये हो जाएगा cot 90 माइनस a, समझ रहे ना, और इधर तो cot b रहेगा, हमें इसको a प्लस b इज इक्वल टू 90 में प्रूव करना, तो इधर cot b रहेगा, तो हो गया। अब कैसे ये cot कंपेयर, इसलिए मैं बार बार कंपेयर लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग, मैं भी गलती कभी कभी कर देता था इसीलिए, तो ये cot कंपेयर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस a इज इक्वल्स टू b। अब a उधर चला जाएगा तो a प्लस b हमारा 90 डिग्री आ गया और ये हमने प्रूफ कर दिया। ओके समझ गए गाइस, देखो काफी इजी था, बहुत इजी था, लग रहा था थोड़ा टफ लेकिन बहुत इजी था, a प्लस b 9। अब मैं आपको एक और प्रूविंग करता क्वेश्चन बताता हूँ।
तो गाइस अब मैं जो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ये जो कुछ क्वेश्चंस है जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में आगे वीडियोस में बताऊँगा और मैं आज इस तरह की एक दो बताने वाला हूँ, तो इन क्वेश्चंस का कोई मेथड नहीं है, इनको आपको रटना होगा। रटना मतलब कुछ ही ऐसे क्वेश्चन है, दो ही तीन होंगे, उनको आपको रटना पड़ेगा। तो मैं वो आपको बताता हूँ, बहुत ईजी है लेकिन। तो गाइस अब ये क्वेश्चन आपको पूरा रटना पड़ेगा, मतलब रटना क्या पड़ेगा, इसके एग्जाम में पूरा ये क्वेश्चन आने वाला है, इसी तरीके से कोई चेंज नहीं होगा। अगर चेंज होगा तो मैं दो आपको बता दूंगा, दो तरीके से आ सकता है, है तो वही जरा से चेंज होगा। अब इसमें दिया गया है ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स फॉर ट्रायंगल, देन शो दैट sin b plus c upon 2 is equals to cos a upon 2। बहुत इजी, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। अब ये आपको पता है एंगल ए है, ये एंगल बी, एंगल सी है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, मतलब तीनों साइड्स ऑफ ट्रायंगल का सम 180 होता है, ये तो आपको इतना बेसिक तो पता ही है गाइस, इनका सम 180 होता है, तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हम लोग गाइस एंगल ए को उधर ले जाए, तो ये हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 माइनस एंगल ए। थोड़ी देर के लिए एंगल हटा देते हैं, ओके इतना समझ गए, इतना था समझ गए ना, हम लोग ने ए को उधर लिए गए। अब हम लोग डेनोमिनेटर में टू लगा देते हैं, मतलब दोनों तरफ पे हम लोग डेनोमिनेटर में टू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा बी प्लस सी अपॉन टू, और ये हो जाएगा 180 अपॉन टू माइनस ए अपॉन टू। इतना तो समझ गए ना, इतना समझ गए। अब ये 180 अपॉन टू, तो ये टू 290 था, तो ये हो जाएगा b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल्स टू 90 माइनस ए अपॉन टू। इतना समझ गए, इतना तो समझ गए। अब गाइज हम लोग दोनों तरफ हम लोग sin लगा देते हैं, मतलब LHS में भी RHS में भी। तो इधर देखिए अब ये हो जाएगा sin और ब्रैकेट में पूरे b प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल्स टू, उधर भी sin होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस, थोड़ा छोटा लिखते हैं, ये हो जाएगा sin 90 माइनस ए अपॉन टू। इतना समझ गए। अब गाइस sin किस में चेंज होता है हमारे कन्वर्जन टेबल में, sin हमारा बदलता है cos 90 माइनस थीटा के ना, तो हम लोग इधर तो sin ही रहने देते हैं, sin b प्लस सी अपॉन टू, और उधर हम लोग कॉस में बदल देते हैं, तो कॉस में हमारा ये जो वैल्यू है ए अपॉन टू वो ले लेंगे ना, क्योंकि 90 तो हट जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए अपॉन टू, क्योंकि ये वैल्यू हम लोग कॉस में बदल गई। तो हमने प्रूव कर दिया sin b प्लस सी ही इज अपॉन टू sin, एक बार देख लीजिए गाइस क्या किया हम लोगों ने, इतना समझ गए, sin b plus c upon 2 sin 90 minus a upon 2, तो ये sin 90 minus a upon 2 को cos में बदल देंगे, तो ये cos a upon 2 होगा कि नहीं, तो इतना समझ गए, तो sin b plus c upon 2 cos a upon 2 के बराबर आ जाएगा, और हमने ये प्रूव कर दिया। ओके सो गाइस मैं आज की वीडियो यही एंड करता हूँ। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन समझ लीजिएगा, इसको रट लीजिएगा, बहुत इजी, अगर आप समझ जाएंगे आएंगे अच्छे से हो जाएगा। और मैं आज की वीडियो यही करता हूँ, पसंद है तो लाइक करें, चाहे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सो लॉन्ग एंड सो आउट।